हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नया सब्जेक्ट, वो है मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, अर्थात जो बीकॉम फाइनल ईयर में मार्केटिंग पढ़ाया जाता है। तो मार्केटिंग का थर्ड पेपर है और यह पेपर का नाम है भारत में विपणन व्यवहार। देखिए सामने लिखा हुआ है भारत में विपणन व्यवहार, अर्थात मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और वीडियो को सुनिए भी ध्यान से और नोट भी कर लीजिएगा और बार बार याद भी करते रहिएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। ठीक ना, पूरा सिलेबस तैयार आपका कराया जाएगा ताकि आप लोग लेक्चर देखकर कुछ नोट करके अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने पहले जो चाहेंगे कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन बना हुआ है नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें, क्योंकि बाबू आप लोग हमारे इस लेक्चर पर रिस्पांस अच्छा रहेगा तो ऐसे ही लेक्चर आपके लिए आता रहेगा। लेकिन लेक्चर पर रिस्पांस अच्छा नहीं रहता है थोड़ा सा मेरा भी मन टूट जाता है, अब तो जानते ही है, समझ ही सकते हैं, क्योंकि इतना मेहनत से लेक्चर तैयार किया जाता है, वीडियो बनाया जाता है और रिस्पॉन्स ना मिले तो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा और सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाइए। फिलहाल मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट हमारा चैप्टर इसमें है मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया में ग्रामीण विपणन, अर्थात रूरल मार्केटिंग। ठीक है, ग्रामीण विपणन क्या होता है? विपणन ग्रामीण तो जानते ही हैं, ग्रामीण माने गांव और विपणन माने होता है बाजार, गांव का बाजार। वैसे प्राचीन काल में जैसे ही सभ्यता का जब विकास हुआ तभी से मार्केट का प्रक्रिया शुरू हुआ। मार्केटिंग हमारा है बहुत प्राचीन काल से चला रहा, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो वस्तुओं का आदान प्रदान बाजार में होता था, लेकिन जब मुद्रा प्रणाली आई तो यहां पर मुद्रा के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाने लगा। पहले शहर नहीं थे, अर्थात शहरी एरिया नहीं था, जो भी थे टोटली ग्रामीण थे, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ लोग शिक्षित होते गए, वो जो छोटे छोटे गांव बने थे वो शहर में बन गए और इसके अतिरिक्त बहुत सारे गांवों का निर्माण हुआ। और तब से लेकर और अब तक ग्रामीण विपणन, विपणन मतलब पूरा चल रहा। इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे ग्रामीण विपणन। अब प्रश्न है कि ग्रामीण विपणन क्या है? ध्यान दीजिएगा कि ग्रामीण विपणन में यह जो ग्रामीण विपणन दो शब्दों से मिलकर बना, पहला है हमारा ग्रामीण और दूसरा है विपणन। ग्रामीण का मतलब होता है ग्राम, अर्थात छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं जहां दो चार दस बीस पचास सौ घर वगैरह के होते हैं, मिलाकर एक गांव का निर्माण होता है। देखे होंगे कि जितने भी देश की आबादी है, जितना भी कुल एरिया है, शहरी एरिया कम है, ग्रामीण एरिया ज्यादा है, क्योंकि टोटल देश का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का लगभग 70% भाग ग्रामीण एरिया में रहता है, गांव में रहता है, 30% लगभग शहरी एरिया में रहते हैं। तो शहरों में तो बहुत बड़े बड़े मार्केट होता है, पूरा शहरी मार्केट है, लेकिन गांव में मार्केट क्या होगा? देखे होंगे कि हर गांव में या एक दो तीन गांवों को मिलाकर एक छोटा सा बाजार लगता है, सबके यहाँ होगा। अब जहां रहते हैं आप वहां पे अगल बगल देख लीजिए, वहां पे साग सब्जी या जितने भी अनाज वगैरह की वस्तुएं हैं ये सब खरीदी बेची जाती है। एकदम यदि ग्रामीण क्षेत्र होगा तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सीजनली कर रहा है, मतलब वीकली मतलब बाजार लगता है, सप्ताह में एक दिन या दो दिन या तीन दिन भी लगता है। कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहां पर रोज प्रतिदिन बाजार रहता है, जैसे गली मोहल्लो चौराहों वगैरह पर। यहां जो बात कर रहे हैं हम ग्रामीण विपणन, ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। देखे होंगे कि कोई भी गाँव है ग्रामीण क्षेत्रों की, जो भी हमारी पॉपुलेशन है, आज भी उस पॉपुलेशन का लगभग 60% भाग कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर। तो पक्का है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में जो मार्केटिंग होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मार्केटिंग होगा, विपणन होगा, बाजार होगा, वो कृषि से रिलेटेड मार्केटिंग होगा। अब यहाँ पे गाड़ियों का शोरूम तो होगा नहीं, किताबों का वो होगा नहीं, कपड़ों का फैशन शो तो ग्रामीण एरिया में होगा नहीं। ग्रामीण एरियो में अधिकांशतः किस चीजों की खरीद बिक्री की जाएगी? कृषि से रिलेटेड। कृषि का मतलब है अनाज, जितने भी दाल तिलहन अनाज है, चावल गेहूं
या साग सब्जियां, इस सारी चीजों का विपणन ग्रामीण विपणन में होता। तो यहां प्रश्न उठता है कि ग्रामीण विपणन होता क्या। ग्रामीण विपणन से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण स्तर पर जो भी उत्पादित की गई वस्तुएं हैं, जो भी उत्पादित की गई वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, उनको उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो काम किया जाता है, यही ग्रामीण विपणन है। ग्रामीण विपणन क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ध्यान दीजिएगा, लिख दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है यही हमारा क्या कहलाता है, ग्रामीण विपणन कहलाता है। ठीक ना, ग्रामीण विपणन कहलाता। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में हम जो भी चीज उत्पादित कर रहे हैं, उस उत्पादित वस्तुओं को जितने भी उस ग्रामीण एरिया में उपभोक्ता हैं, जैसे मान लीजिए हमें सब्जी की जरूरत पड़ी तो हम बाजार जाएंगे, या बाजारे के इर्द गिर्द घर है तो वहां से जाके ले लेंगे। तो वहां के जो रहने वाले लोग हैं, हमारे जो भी आवश्यकता की चीजें हैं, खाने पीने वाली या कृषि से संबंधित चीजें हैं, हमको वो उत्पादक क्या करता है, उपलब्ध करा देता और हमें आसानी से प्राप्त होती है। लेकिन उसका एक निश्चित स्थान होता है, ये नहीं जहां चाहे वहां बिकता है। हर ग्रामीण एरिया में एक जगह बना रहता है, मार्केट या बाजार रहता है, या छोटा मोटा कस्बा या चौराहा रहता है, जहां पर हमारी आवश्यकता की सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती। अब ग्रामीण विपणन में केवल आज के डेट में केवल कृषि तक ही सीमित नहीं है, एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं है, एग्रीकल्चर से हटकर भी कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के जो उत्पाद है, आवश्यक उत्पाद, सभी उत्पाद नहीं, आवश्यक उत्पाद जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है, जैसे कृषि अनाज के अतिरिक्त, फल फूल सब्जियों के अतिरिक्त, क्योंकि ये ग्रामीण एरिया में हो जाता है, इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए नमक है, तेल है, मसाला है, या अन्य जितनी भी हमारी दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का भी वहां पे आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, इन वस्तुओं को बड़े मार्केट से खरीद कर लाते हैं और हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो यही हमारा ग्रामीण विपणन कहलाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस ग्रामीण विपणन में पूरे देश के संदर्भ में आए, भारत के संदर्भ में आए, तो जितना भी मार्केट है, आज सबसे बड़ा मार्केट हमारा क्या है, ग्रामीण विपणन, क्योंकि केवल शहरी क्षेत्र कितना ही है, कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% है, और ग्रामीण क्षेत्र कितना है, लगभग 70%। तो शहरी क्षेत्र में जिस तरह बड़े बड़े मार्केट है, उस तरह रूरल एरिया में भी बहुत सारे मार्केट है। तो रूरल एरिया में बस इतना ही है कि वो छोटा मार्केट है, बहुत सीमित मात्रा में मार्केट है, लेकिन पता नहीं कितने हजारों की संख्या में गांव होंगे, या हर गांव में यदि एक छोटा भी मार्केट होगा तो बहुत मार्केट होगा। तो ग्रामीण मार्केटिंग जो है, रूरल मार्केटिंग हमारी है, इसका एरिया काफी बड़ा है, अर्थात विस्तृत है। प्रश्न अभी उठता है कि इस ग्रामीण विपणन के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ग्रामीण विपणन के हमारे देश की आज की इकोनॉमी में, आज के संदर्भ में क्या इसका इंपॉर्टेंट है। आइए टॉपिक लिखते हैं, ग्रामीण विपणन की महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग। ग्रामीण विपणन का आज के संदर्भ में क्या महत्व, क्या इसके फायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ग्रामीण विपणन से, सोचिए क्या फायदा है। मान लीजिए गांव के बाजार होने का क्या हमें फायदा है। पहला फायदा है कि ग्रामीण जो विपणन होता है, आय और आजीविका का मुख्य साधन होता है। क्या होता है, आय अर्थात इनकम, और उसके आजीविका माने जीविकापार्जन के लिए का मुख्य साधन होता है ग्रामीण विपणन। लिख दे रहे हैं, ग्रामीण विपणन
आय और आजीविका का, आजीविका का मुख्य साधन है, मुख्य साधन है। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारा रूरल मार्केटिंग है, देखे होंगे कि गांव की जनता अधिकांशतः मान लीजिए कृषि पर निर्भर है, इसलिए थोड़ी सी गरीब है, लेकिन फिर भी उनके कुछ न कुछ आय का जरिया है, चाहे वो मेहनत मजदूरी करके आय कमाए या छोटा मोटा रोजगार करके करे या कहीं बाहर कमाने के लिए जाए। तो ग्रामीण विपणन क्या है? आय का एक मुख्य जरिया। यहाँ पे जितने भी जनता है, जो भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने आय का एक माध्यम बना देते हैं। कैसे माध्यम बनाते हैं? एक ग्रामीण विपणन के द्वारा, रूरल मार्केटिंग के द्वारा। बाहर से कोई भी छोटा छोटा सामान सस्ते दामों वाला खरीद के लाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं, जो भी उसमें मामूली मार्जिन पे या प्रॉफिट पर हमारी उपभोक्ता अर्थात हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, या कृषि से संबंधित रिलेटेड पदार्थों को यहाँ पे लाते हैं और बेचने का कार्य करते हैं, जिसकी आवश्यकता होती है वो खरीदता है। तथा आजीविका का मुख्य साधन है, आजीविका का मुख्य साधन है का मतलब कि ग्रामीण जो विपणन है, रूरल मार्केटिंग है, इनकम के साथ साथ हमारे आवश्यकता की पूर्ति भी करता है। कि हमें मान लीजिए कि किसी चीज की जरूरत पड़ी, मान लीजिए आटा की ही जरूरत पड़ी, आटा गेहूं से बनता है, तो हमें दूर दराज शहर में जाना पड़ता है यदि रूरल मार्केटिंग नहीं रहता तो यहाँ पे आसानी से हमें आटा प्राप्त हो जाता है, गेहूं प्राप्त हो जाता है, चावल प्राप्त हो जाता है, दलहन प्राप्त हो जाता है, तिलहन प्राप्त हो जाता है, जो भी मतलब कृषि से रिलेटेड वस्तुएं हैं वो सारी चीजें रूरल मार्केटिंग होने की वजह से आसानी से प्राप्त हो जाती है, जिसे उपभोक्ता उसका आसानी से उपभोग कर सकता है। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि इसका दूसरा महत्व क्या है, दूसरे फायदा क्या है? दूसरा फायदा है रोजगार का स्रोत, रोजगार का स्रोत का स्रोत है। क्या रोजगार का स्रोत है? ग्रामीण विपणन, ग्रामीण विपणन हमारा क्या है? रोजगार का एक जरिया है। देखते होंगे देश में जितने भी लोग हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सबको अच्छी नौकरी ही मिले, कोई जरूरी नहीं, कुछ लोगों को मिलता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, लेकिन जिनको नहीं मिलता तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई कि उनके आय का कोई जरिया नहीं है। भाई पेट है, खाने की आवश्यकता है, भरण पोषण है, उनका जीविका उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो जरिया होना चाहिए। तो कुछ लोग बिजनेस कर लेते हैं, कुछ लोग शहरों में चले जाते हैं, कुछ लोग बाहर प्राइवेट सेक्टर में कमाने जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं गाँव ही में रहते हैं। गाँवों में जो रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो अपने आय का कोई जरिया बना लेते हैं, यही जरिया करते हैं, धान यहाँ से खरीदे वहाँ बेचे, गेहूँ यहाँ से खरीदे वहाँ बेचे, तिलहन खरीदे, या उससे भी नहीं होता है तो जितनी भी लोगों की उपभोग वाली सामग्रियां हैं बाहर से लाए और यहाँ पर बेचने का कार्य करते हैं। तो इस तरह हमारा जो ग्रामीण विपणन है, रूरल मार्केटिंग है, वो क्या करता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, रोजगार देता है, अर्थात आय का एक बहुत बड़ा जरिया है। मैंने उससे यह नहीं लगता है कि वो खाली हैं, बेकार हैं, अर्थात छोटे मोटे छोटा ही सही, लेकिन एक रोजगार में वो रहते हैं। तीसरा इसमें है फायदा, मैंने इसका महत्व है, खाद्यान्न और चारों की आपूर्ति करता है, खाद्यान्न व चारे की आपूर्ति। खाद्यान्न व चारे की आपूर्ति का मतलब क्या होता है? जो रूरल मार्केटिंग है इसको करने से एक और फायदा होता है। खाद्यान्न मतलब कि जो भी हमें अनाज चाहिए, जिसको हम खाते हैं, जिसका हम उपभोग करते हैं, उसकी पूर्ति ग्रामीण विपणन के द्वारा आसानी से हो जाती है। इसके साथ साथ एक चीज और चीज का आपूर्ति करता है, चारे का, क्योंकि देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों के ही जो उत्पादित वस्तुएं हैं बेची जाती है, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित की जाएगी तो उसके जो डंठल होंगे वो उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, चारे में किया जाता है। वो चारे का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो भी ग्रामीण एरिया में जो पशु रहते हैं, जानवर रहते हैं, जैसे गाय भैंस घोड़ा बैल बकरी ये सब रहते हैं, लोग इसका पशुपालन का भी कार्य करते हैं, उससे अन्य उपयोग में कार्य में भी लाते हैं, आखिर उनको खिलाने के लिए वो अनाज तो खाएंगे नहीं, उनको खाने के लिए कुछ चारे की व्यवस्था करना पड़ेगा। तो यह जो कृषि जो फसल है उत्पादित होती है तो उसका जो दाना होता है जिसका हम आप उपभोग करते हैं, तो
तो उसका जो डंठल होता है इसके कौन उपयोग करता है? पशुएं उपयोग करती हैं। पशुएं जब उपयोग करते हैं तो उसका प्रयोग किस चीज के लिए होता है? चारे के लिए होता है। अर्थात ये जो ग्रामीण विपणन है ये खाद्यान्न और चारों दोनों की भरपूर आपूर्ति करता है। चार नंबर इसमें है, अगला इसका महत्व है, आर्थिक गतिविधियों का यह प्रमुख निर्धारक है। आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख निर्धारक है। आर्थिक गतिविधियों का मतलब होता है कि यह जो रूरल मार्केटिंग होता है देश की अर्थव्यवस्था में यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश की आमदनी बढ़ाता है, रोजगार के साधनों का विकास करता है या अन्य तरीके से लोगों का आर्थिक विकास करने का कार्य करता है। इसलिए यह ग्रामीण विपणन आर्थिक गतिविधियों में इसका एक प्रमुख निर्धारक भूमिका होती है। नेक्स्ट है उद्योगों का आधार। ग्रामीण विपणन क्या है? उद्योगों का आधार का मतलब क्या है कि जो हमारी रूरल मार्केटिंग होती है यहीं से समझिए उद्योग की भी शुरुआत होती है। क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं? कृषि उत्पाद से ही बनते हैं। जो कृषि के द्वारा हम क्रिया करते हैं उससे जो हमें प्राप्त होता है फसल के तौर पे या उपज के तौर पे, उसी से भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ या कंपनियाँ चलती है। जैसे मान लीजिए एक बिस्किट बनाना है तो बिस्किट कैसे बनेगा? आटे मैदे से बनेगा, मक्के के आटे से बनेगा, बहुत सारी चीज़ों को मिला कर बनाया जाता है। तो वो क्या चीज़ है? वो कृषि फसल है। इसी तरह नमकीन बनाना है, चॉकलेट बनाना है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कैसे चलते हैं? इन्हीं कृषि उपजों के बदौलत चलते हैं। यदि इनकी सप्लाई यदि ग्रामीण एरिया से शहरी एरिया में, अर्बन एरिया में ना हो, फैक्ट्रियों तक ना पहुँचे, तो कैसे उत्पाद निकलेगा? तो ये हमारे जो ग्रामीण विपणन है ये उद्योगों का आधार है, अर्थात फैक्ट्री चलाने का हमारा बेस है। क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्रामीण एरिया में जो कृषि उपज होती है ये क्या है, एक तरह से ये समझिए कि यहाँ से जो उत्पादन होता है वो उद्योग का वो प्राइमरी स्टेज होता है और यहाँ से धीरे धीरे चैनल बाय चैनल जाता है, फैक्ट्रियों तक चलता है। ये समझिए कि ये फैक्ट्री का रॉ मटेरियल होता है, एक कच्ची सामग्री होता है और यही फैक्ट्री में जाती है तो कन्वर्ट होके फिनिश गुड्स निकलता है, अर्थात निर्मित माल निकलता है जो हमारे तक पहुँचता है। तो ये उद्योगों का आधार होता है। अगला है परिवहन के साधनों का विकास होता है। परिवहन के साधनों का विकास होता है। ग्रामीण विपणन क्या है? ग्रामीण विपणन से बहुत सारे परिवहन के साधनों का विकास होता है। देखते होंगे कि गांव में बाजार है तो साइकिल से लोग चले जाते हैं, मोटरसाइकिल से चले जाते हैं, ज्यादा और बड़ा है तो टेम्पो या पिकअप वगैरह ले लेते हैं। यहाँ से वो व्यापारी बड़े व्यापारी के यहाँ माल लेके जाते हैं, बड़े व्यापारी उसके आगे ले जाता है या बड़े से गांव में लाते हैं थोड़ा 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 करके। तो इसमें क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि किसी भी देश में ट्रांसपोर्टेशन बेहतर रहेगा तो आसानी से लोगों तक उपभोग वाली वस्तुएँ हैं पहुँचती रहेंगी और ट्रांसपोर्टेशन देश की आय और रोजगार का एक बहुत बड़ी जरिया है। अगला है औद्योगिक प्रगति का आधार। ग्रामीण विपणन क्या है? उद्योग की प्रगति का आधार है। रूरल जो मार्केटिंग है उद्योगों के कितना डेवलप करेगा ये रूरल मार्केटिंग निर्भर करता है। क्योंकि रूरल एरिया में जो भी चीजें होती हैं यदि वो अभी मैं बताया कि बंद हो जाए, आगे न जाए, गांव तक ही सीमित रह जाए तो उद्योगों की प्रगति कहाँ होगी? जब तक रूरल एरिया में कृषि का डेवलपमेंट नहीं होगा, कृषि से उपजों को शहरी एरिया में नहीं भेजा जाएगा, उद्योगों तक नहीं भेजा जाएगा, तब तक क्या होगा? उद्योगों का विस्तार नहीं होता है। इसलिए रूरल मार्केटिंग औद्योगिक प्रगति का एक मुख्य आधार होता है। सामाजिक व राजनीतिक महत्व। अगला है सामाजिक व राजनीतिक महत्व। सामाजिक और राजनीतिक महत्व का मतलब क्या है कि रूरल मार्केटिंग का काफी इंपॉर्टेंस है किस एरिया में? सोशल और पॉलिटिकल कार्यों में।
सोशल और पॉलिटिकल पॉलिटिकल में रूरल मार्केटिंग का क्या महत्व है? ग्रामीण एरिया का जो समाज होता है कुछ अलग ढंग का होता है और शहरी एरिया में कुछ अलग ढंग का होता है। तो सब लगभग एक ही समय लेकिन समझने का फिर जैसे ग्रामीण एरिया में होता है समाज में जितने भी लोग या वर्ग हैं सब आपस में जुड़े रहते हैं, सब एक दूसरे से थोड़ा सा सद्भावना प्रेम रखते हैं, जबकि इतना ज़्यादा शहरी एरिया में अर्बन एरिया में नहीं होता। ग्रामीण एरियो में आपसी भाईचारा बना रहता है, एक दूसरे की मदद की भी भावना रहती है और क्या रहता है। ग्रामीण एरिया में सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जुड़े रहते हैं, क्योंकि इनके बिना उनका काम नहीं चलता है, उनके बिना उनका काम नहीं चलता है, सहयोग की भावना भी रहती है, ठीक ना। और इसका राजनीति में भी इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो राजनीति की शुरुआत होती है वो ग्रामीण एरिया से होती है। सबसे निचला जो पावदान होता है वो ग्रामीण एरिया ही होता है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते हम आगे बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो यहीं से ग्रामीण विपणन के द्वारा देखें, मार्केट में देखे होंगे कोई कहता है कि इनका ज़्यादा दबदबा है, इनकी ज़्यादा पहुँच है, इनको ज़्यादा लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? इनका सोशल बिहेव अच्छा होगा, पॉलिटिकल बातें वो ज़्यादा करते होंगे, उनको 10 लोग जानते पहचानते होंगे। तो यहाँ से एक अच्छा समाज और राजनीति का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला है सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव। अगला है सामान्य मूल्य स्तर तक प्रभाव, मूल्य स्तर तक प्रभाव। सामान्य मूल्य स्तर तक प्रभाव का मतलब होता है कि ग्रामीण उद्योगों में या ग्रामीण एरिया में लोगों को खाद्यान्नों तक पहुंचाने के लिए एक सामान्य मूल्य निर्धारित होता है। बाजार में यदि चीज कोई बिक रहा है, एक रेट से बिक रहा है, फिक्स रेट से बिक रहा है, तो सारे दुकानदार उसी रेट से भी बेचेंगे। मार्केट में मान लीजिए कोई सब्जी लेके गया और वो भी बेच रहा है 20 रुपये किलो, तो दूसरा 25 रुपये किलो नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकता? एक कॉम्पिटिशन है, वो जानता है कि क्या नाम है, यदि हम बेचेंगे तो हमारा नहीं बिक जाएगा, इसका सारा शाम तक बिक जाएगा, मेरा वैसे ही रह जाएगा। तो क्या है कि ग्रामीण एरिया में एक सामान्य मूल्य स्तर होता है, क्योंकि यहीं पे उपज होती है और यहाँ से तुरंत मार्केट में आता है। कौन सा मार्केट? ग्रामीण मार्केट में, ग्रामीण एरिया में, वहाँ के बाजार में, और वहाँ से सब एक रेट से बेचना शुरू करते हैं और सस्ते मूल्यों में बेचते हैं। ये भी नहीं कि बहुत सारा महंगा रहता है, उनका एक नॉर्मल प्राइस रहता है, एक नॉर्मल प्राइस का लेवल रहता है, जहाँ पर आसानी से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कभी भी खरीद सकता है और कितनी भी मात्रा में खरीद सकता है। तो ये तो था आपका ग्रामीण विपणन के इम्पोर्टेंस अर्थात महत्व, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा और उसके बारे में यदि क्वेश्चन आएगा तो अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और नेक्स्ट इसका है ग्रामीण विपणन की प्रकृति एवं क्षेत्र, तो जल्दी से इसे नोट करिए। हाँ तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, मिटाए, चलिए मिटा रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, थोड़ा लाइक करके बता दीजिए कि आ रहा है समझ में, ठीक है। देखे कितने लोग लाइक किए हैं, बड़ा कम लोग लाइक किए हैं। चलिए ठीक है, अगला टॉपिक है ग्रामीण विपणन की प्रकृति एवं क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण विपणन के क्षेत्र व प्रकृति, ग्रामीण विपणन का क्या स्कोप है और इसका क्या नेचर है, रूरल मार्केटिंग का स्कोप और नेचर क्या है, ध्यान दीजिएगा। वैसे स्टार्टिंग में जैसे 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 सभ्यता का विकास हुआ तो रूरल मार्केटिंग जो है, ग्रामीण विपणन है, इसका जो क्षेत्र है काफी संकुचित था, सीमित दायरे में था, क्योंकि अभी जैसे सभ्यता का विकास हुआ तो छोटे छोटे गांवों का निर्माण हुआ,
अब वहां पे समझिए कि धीरे धीरे लोगों को बाजार की आवश्यकता महसूस हुई और जरूरत किसी केवल केवल सामान्य जाती थी तो सीमित था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो गया होते गया, आगे डेवलपमेंट होते गया, वैसे वैसे ग्रामीण विपणन का एरिया बढ़ता गया और आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि कोई भी रूरल एरिया हो, कितना भी पिछड़ा हुआ एरिया हो, छोटा गांव या बड़ा गांव, हर जगह बाजार है, हर जगह उनकी आवश्यकता की जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें उपलब्ध हो जाती और वो भी आसानी से। और यही आसे 100-200-400 वर्ष पहले आते तो इतना उपलब्ध नहीं हो पाता था, उसके लिए दूर दराज बाजार मार्केट में जाना रहता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हर गली, हर क्षेत्र, हर ग्रामीण एरिया में चाहे कितना भी बैकवर्ड हो, वहां पे आसानी से हर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि ग्रामीण विपणन का क्षेत्र काफी आज व्यापक है। इसलिए ग्रामीण विपणन के क्षेत्र और प्रतिनिधित्व को यह माना गया है ये संकुचित होने के साथ साथ यह व्यापक भी है, अर्थात बड़ा है। ठीक है, प्रश्न ये उठता है कि ग्रामीण विपणन के क्षेत्रों और प्रकृति का निर्धारण करने के लिए हमें कुछ निम्न क्रियाओं का अध्ययन करना पड़ता है, कुछ निम्न एक्टिविटीज होती हैं, कुछ उसके फंक्शंस होते हैं जिसके बारे में अध्ययन करना एकदम जरूरी है कि ग्रामीण विपणन का आखिर क्षेत्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी नेचर किस ढंग से है, यह क्या उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है या नहीं करता है, ठीक है ना, यह समाज को वस्तुएं उपलब्ध कराता है या नहीं कराता है। तो इसको कुछ पॉइंटों के द्वारा आप समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि उपभोक्ता अनुसंधान, उपभोक्ता अनुसंधान। उपभोक्ता अनुसंधान क्या होता है, कंज्यूमर रिसर्च क्या होता है? देखते होंगे कि आज के समय में उपभोक्ताओं का अलग अलग डिमांड हो गया है। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर किसे कहते हैं, हमारे आपको ही कंज्यूमर कहा जाता है, जो भी किसी भी वस्तु का उपभोग करता है वो कंज्यूमर कहलाता है, हम आप कोई भी हो सकते हैं। तो आजकल कंज्यूमर का, उपभोक्ता का काफी अधिक डिमांड है। डिमांड क्या है? डिमांड यह है कि उनकी आवश्यकताओं और रुचियों के हिसाब से जो बाजार में उनकी उपभोक्ताओं और रुचियों के, एक सेकंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, ध्यान दीजिएगा। हाँ, हम कहां पे थे, उपभोक्ता अनुसंधान। तो उपभोक्ता अनुसंधान का मतलब है कि आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे उपभोक्ता है, उनकी समय समय पर रुचियां बदलती जाती हैं, उनकी इच्छाएं आवश्यकताएं बदलती जाती हैं। तो ऐसी दशा में जो ग्रामीण एरिया का जो मार्केट है और मार्केट में जो दुकान चलाने वाले हैं, बिजनेसमैन है, छोटे हो चाहे बड़े हो, बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन, तो वो बिजनेसमैन उस कस्टमर के डिमांड के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार ही वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है उपभोक्ता अनुसंधान। उपभोक्ता अनुसंधान का मतलब है कि जब एक व्यापारी उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं को उपलब्ध कराता है ताकि उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके, तो उसे उपभोक्ता अनुसंधान कहा जाता है। ठीक है, अगला है वस्तु नीतियों एवं मूल्य नीतियों का निर्धारण। दूसरा पॉइंट हमारा है वस्तु नीतियों वह मूल्य नीतियों, मूल्य नीतियों का निर्धारण। वस्तु नीतियों और मूल्य नीतियों का निर्धारण का मतलब क्या होता है कि ग्रामीण विपणन में जो वस्तुएं होती हैं, उत्पादित वस्तुएं, उनकी एक मूल्य नीति निर्धारित कर दी जाती है। मूल्य नीति का मतलब है कि किसी भी ग्रामीण एरिया में जाएंगे तो एक ही रेट की वो वस्तुएं उपलब्ध आपको मिलेंगी, कोई भी डिफरेंट है, वही शहरी एरिया में जाएंगे तो उसका रेट कुछ और रहेगा। इसलिए कि शहरी एरिया में जाने में, ग्रामीण एरिया से जब शहरी एरिया में कोई भी साग सब्जी या अनाज या उपज जाती है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ जाता है, जिसके वजह से वस्तुएं थोड़ी सी महंगी हो जाती है। तो ग्रामीण विपणन में क्या होता है, वस्तुओं की नीतियां और मूल्यों की नीतियों का निर्धारण होता है। वस्तुओं की नीतियों में आता है कि वस्तुएं भी कई कैटेगरी को, एक ही तरह की वस्तु रहती है लेकिन उसमें वैरायटियां अलग अलग रहती हैं। वैरायटियां अलग होने का मतलब है
ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, मोटा अनाज थोड़ा सा और पतला अनाज, थोड़ा सा और पतला अनाज, और सबकी मूल्य की नीतियां जो होती हैं अलग अलग डिफरेंट होती है, सब पर प्राइस अलग अलग होते हैं, जैसी क्वालिटी वैसी वस्तु का दाम। तो ग्रामीण विपणन के क्षेत्र में क्या होता है, वस्तुओं की नीतियां और मूल्य नीति का निर्धारण किया जाता है। अगला है वितरण माध्यम का चुनाव, अगला है वितरण माध्यम का चुनाव, माध्यम का चुनाव। वितरण माध्यम का चुनाव का मतलब क्या होता है कि जो भी वस्तुएं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित की जा रही है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, इसका बंटवारा कैसे किया जाएगा, इसे एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे ले जाया जाएगा, तो इसे वितरण के माध्यम का चुनाव कहा जाता है। जैसे किसने एक चैनल बनाया है कि जब ग्रामीण एरिया से अर्बन एरिया में रॉ मटेरियल जा रहा है, कच्ची सामग्री जा रहा है, तो उसे लोगों के मतलब जो किसान है उनसे खरीद कर गाँव का जो विक्रेता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा व्यापारी, मैंने छोटा व्यापारी समझिए, वो खरीदता है, वो अपने से थोड़े से बड़े व्यापारी के बाद किसी बड़े कस्बे में ले जाता है, वहाँ बेचता है, वहाँ से वो क्या करता है, वो बड़े और बड़े व्यापारी के पास ले जाता है, उसके बाद सीधे थोक विक्रेता के पास जाता है, फिर सीधे फैक्ट्री ले जाता है, तो ये क्या कहलाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का एक माध्यम कहलाता है। उसी तरह जब फिनिश गुड्स तैयार होता है, मतलब निर्मित माल तैयार होता है, तो सीधे जब फैक्ट्री से हमारे पास आता है तो कई चैनलों से होकर गुजरता है, कई चैनलों से गुजरता है तब हमारे पास वो आता है। तो कहने का मतलब है कि जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, उत्पादित वस्तुएं जब उपभोक्ता के पास पहुंच रही हैं, तो जितनी प्रक्रियाओं से गुजरेगा, जितने चरणों से गुजरेगा, जितने लोगों के माध्यम से गुजरेगा, तो उसी को वितरण माध्यम का चुनाव कहा जाता है। अगला है संवर्धन संबंधी निर्णय, संवर्धन संबंधी निर्णय, संबंधी निर्णय। संवर्धन संबंधी निर्णय क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, संवर्धन संबंधी निर्णय क्या होता है, संवर्धन संबंधी निर्णय का मतलब होता है कि किसी भी ग्रामीण एरिया में कोई भी माल को बेचना होता है तो बेचने के लिए ऐसा नहीं कि जहां मर्जी वहां ले जाकर बेच दिया जाता है, उसका एक निश्चित जगह होता है, निश्चित उसके खरीदार होते हैं। जैसे देखते होंगे कृषि उपज गांव में होता है तो हर गांव में देखे होंगे एक या दो ऐसे व्यक्ति होते होंगे जो उस उपज को खरीदे, सब नहीं खरीदते, कुछ खरीदते हैं, या तो कुछ ऐसे भी होंगे कि डायरेक्ट किसान से एक किसान ही खरीद लेता है, लेकिन मोस्टली एक या दो ऐसे पर्सन होंगे उस उपज को, पूरे गांव के उपज को वही खरीदने वाला होगा, थोड़ा थोड़ा करके लोगों के यहाँ से जिसकी जितनी बेचने की क्षमता है या बेचने की जरूरत है उतना वो खरीद लेता है, और इकट्ठा करके एक बार लेकर अपने से बड़े व्यापारी को यहाँ दे देता है, वो भी एक रोजगार का जरिया होता है। तो विक्रय संबंधी संवर्धन संबंधी निर्णय अर्थात वह इस उद्देश्य से खरीदता है कि माल कहाँ खरीदेंगे, कहाँ पर ले जाएंगे, और उसमें हम किस रेट पर खरीदेंगे, किस रेट पर देने, मतलब संवर्धन का मतलब है विक्रय की एक प्रक्रिया, विक्रय की एक नीति होता, ठीक ना, क्योंकि बिना निर्णय के, बिना डिसीजन के और बिना किसी तकनीकी के यदि इस तरह के खरीदने बेचने के जो प्रक्रिया है नहीं किया जाता है तो ये काफी कठिन हो जाता है, जटिल हो जाता है। अगला है विक्रय के बाद सेवा, अगला है विक्रय के बाद सेवा, कि बाद सेवा, विक्रय के बाद सेवा का मतलब क्या होता है, कभी कभी ग्रामीण एरिया में जो भी वस्तुएं उत्पादित वस्तुएं हैं जब बेची जाती है तो विक्रेता जो होता है उसको कुछ बेचने के बाद से अलग से भी सुविधा उपलब्ध कराता है। जैसे मान लीजिए कि कोई थोड़ा सा मात्रा में खरीदा तो हाथ में लेके चला जाए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खरीदा तो ऐसी दशा में जो विक्रेता होता है विक्रेता होता है वो क्या करता है, उसको घर तक पहुंचाने की भी सुविधा देता है। मान लीजिए बोरे में है, ठेला मंगवा कर उसके घर भिजवा दिया, ज़्यादा है तो गाड़ी मंगवा के भिजवा दिया, या मान लीजिए वो ले जाने में सक्षम नहीं है तो अपने आदमी को किसी को दे दिया कि भाई ले जाकर पकड़ के उसके घर पे पहुंचा दो। तो इस तरह की जो सेवाएं प्रदान की जाती है कहीं भी देखेंगे तो क्या कहलाता है, विक्रय के बाद सेवा। मान लीजिए कपड़े की दुकान में आप कोई कपड़ा वगैरह खरीद रहे हैं तो ऐसी दशा में ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो क्या करता है, आपको एक झोला दे देता है, बैग दे देता है, ताकि अपने सामान को उसमें आसानी से सुरक्षित रख सके। कुछ टूटने फूटने वाला है तो कार्टून गत्ता दे देता है, उसमें आसानी से रख लीजिए, बांध उत पैक करके पूरा थैला ऐसे पकड़ा दे लीजिए, टांगी आ जाएगी। तो ये कहलाता है विक्रय के बाद सेवा, अर्थात
कि जब भी कोई किसी उत्पाद को जब बेचा जाता है, विक्रेता जब बेचता है, तो कुछ विक्रेता ऐसे भी होते हैं कि उस वस्तु को उसके यहाँ पहुँचाने तक का भी जिम्मा ले लेते हैं कि आप खरीद दीजिए, पैसा पेमेंट कर दीजिए, मैं ये सामान आपके घर तक पहुँचा दूंगा, ठीक है ना। और सुरक्षित कुछ ऐसे भी करते हैं कि उधार भाई पैसा पूरा नहीं है तो कुछ ले दीजिए और बाकी जो बच जा रहा है 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना बाद दे दीजिए, ऐसी भी सुविधा देते हैं। कुछ ऐसे भी कहते हैं चलिए ठीक है आज आपकी ज़रूरत है ले जाइए लेकिन पेमेंट जल्दी से कर दीजिएगा। कुछ ऐसे भी सुविधा करते हैं ठीक है जाइए बैंक से पेमेंट ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड हो रहे होती हैं। तो कहने का मतलब है कि विक्रेता इस तरह का प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन क्या है, मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि कस्टमर खुश हो जाए, दोबारा से वह कस्टमर पुनः उसी विक्रेता के पास जाए जिसने इस प्रकार की सुविधा दी है। इसे कहा जाता है विक्रय के बाद सेवा। तो इस तरह हम सोचेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र का एरिया काफ़ी बड़ा है, ग्रामीण विपणन काफ़ी बड़ा है और इसका क्षेत्र सीमित नहीं है, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है। तो यह तो था आपका ग्रामीण विपणन के क्षेत्र और प्रक्रिया। अब लास्ट एक टॉपिक पे पहुंचते हैं ग्रामीण विपणन वाले में कि ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन में आखिर अंतर क्या है। ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन में मुख्य क्या अंतर है, ठीक है ना। चाहिए इसको भी पढ़ दे, यहां टॉपिक लिख रहे हैं ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन में अंतर, विपणन में अंतर। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन में अंतर, इस अंतर को हमने दो पार्टों में बांट दिया। एक और हमने कर दिया ग्रामीण विपणन, ग्रामीण विपणन, और दूसरी ओर हमने कर दिया शहरी, शहरी विपणन। वैसे ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन में काफी अंतर है। अब थोड़ा सा एक मिनट टॉपिक यहां समय लीजिएगा कि शहरी विपणन क्या है, क्योंकि शहरी विपणन के बारे में अभी चर्चा अभी नहीं चली है। यहां जान जाइए शहरी विपणन क्या होता है। सेम पैटर्न ग्रामीण विपणन के आधार पर ही शहरी विपणन है। ग्रामीण विपणन में जो गाँव के लोग होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान होते हैं, वो कृषि जो उपज उत्पन्न करते हैं उन उपज का जब खरीद विक्रय करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, या अन्य आवश्यक उपभोक्ता की वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं, या बाहर से ही कोई माल मंगाते हैं और उसको गांवों में बेचने का कार्य करते हैं, तो ये हमारा ग्रामीण विपणन होगा। लेकिन शहरी विपणन क्या है, बस यही चीज उठकर शहर में जब चला जाता है, यही चीज उठकर सीधे शहर में चला जाता है तो शहरी विपणन होता है। शहरी विपणन में क्या होता है कि शहरी विपणन एक बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा एक बाजार है, जहाँ पे किसानों के द्वारा वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है, वहाँ के जो लोकल शहर के बिजनेसमैन हैं वो उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। शहरी क्षेत्रों में वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही खरीद के गया गया उत्पाद रहता है, जिसे शहर के जो भी विक्रेता दुकानदार जो भी कहिए या बिजनेसमैन कहिए, उनको वे सब उपभोक्ताओं की उनकी आवश्यकता की जरूरत की चीज़ों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं, तो उसे शहरी विपणन कहा जाता है। शहरी विपणन मुख्यतः शहरों में होता है, बड़े बड़े कस्बों नगरों में होता है, और ग्रामीण विपणन पूर्णतः ग्रामीण एरिया में होता है। जो चीज़ें शहरों में उपलब्ध है वही चीज़ आज ग्रामीण क्षेत्र में है। बस अंतर इतना है कि ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण विपणन और शहरी क्षेत्र में है तो शहरी विपणन, बस यही एक चीज़। और मुख्य अंतर ये भी दिखता है कि शहरी विपणन में कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो ग्रामीण एरियों में नहीं बेची जाती, जैसे बड़े बड़े मान लीजिए मशीनरी है, जैसे मान लीजिए गाड़ियां भी है, या बड़े बड़े मॉल है, इस टाइप के ग्रामीण एरिया में नहीं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो शहरों में उपलब्ध है लेकिन ग्रामीण में, लेकिन ग्रामीण एरिया में केवल उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति वाली है, लेकिन शहरी एरिया में उपभोक्ता की उपयोग वाली वस्तुओं के अतिरिक्त उसके लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा करने वाला, उसके रहन सहन कल्चर को ऊंचा करने वाला, या अन्य आवश्यक जो जैसे विलासिता की वस्तुएं हैं, इसका उपभोग करने के लिए सारी चीज़ें शहरी विपणन में उपलब्ध होती है। प्रश्न यहाँ उठता है कि इस ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन में अंतर क्या। तो सबसे पहले ग्रामीण विपणन,
ग्रामीण विपणन में क्या होता है? ग्रामीण विपणन में किसी भी चीज का विपणन जो होता है वो परिवार के मुखिया के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप गांव में रहते हैं और आपके घर में पांच लोग रहते हैं, पांचों में जो श्रेष्ठ होगा, जो बड़ा होगा, वही किसी वस्तु को बेचने का अधिकार रखेगा। अधिकार तो वैसे नियमतः सबको है, लेकिन उसी की अनुमति के बिना खरीदा बेचा नहीं जा सकता। वो कहेगा तभी बिकेगा। कोई अनाज ही बेचना है तो घर का परिवार का जो बड़ा व्यक्ति है, मुखिया है, वो कहेगा कि इतना बेच देना, 10 किलो बेच देना, तो बिक जाएगा। अब छोटा कोई चाहेगा बिना परिवार की अनुमति दिए हुए बेच दे, तो चोरिए छुपे भी बेच सकता है, डायरेक्ट दिखाकर नहीं बेच सकता। तो पहला इसमें है संस्कृति। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के मुखिया के द्वारा, विपणन किया जाता है। तो लिख दे रहे हैं पॉइंट वाइज, ग्रामीण क्षेत्र में विपणन परिवार के मुखिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यह है कि शहरी क्षेत्र में किसके द्वारा किया जाता है? इसमें क्या होता है? शहरी विपणन परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है? शहर में मान लीजिए एक बिजनेस खोले हैं, परिवार का कोई भी मेंबर है, आसानी से खरीद सकते हैं। ऐसा इसलिए, एक सोच है केवल, एक संस्कृति। ऐसा इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के सारे लोग मेहनत किसानों के तौर पे करते हैं, मान लीजिए खेतों में करते हैं, लेकिन उस पर ज्यादा अधिकार जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनका रहता है। ऐसा नहीं, अधिकार की बात नहीं है, लेकिन बिना उनकी अनुमति से नहीं बेच सकते। लेकिन शहरी एरिया में ऐसा नहीं होता। एक बिजनेस खोल लिए हैं, जो ही परिवार का सदस्य बैठा है उसको पूरा बेचने का अधिकार है, वो अपना सामान आसान से बेच सकता है। दूसरा क्या है? ग्रामीण विपणन में समाज का, परिवार पर समाज का पूरा नियंत्रण रहता है। इसमें क्या रहता है? इसमें परिवार पर समाज का पूरा नियंत्रण रहता है। इसमें क्या होता है? देखिए, इसको एक देना नंबर था, दो दे दिया। इसमें क्या है कि शहरी विपणन में किसका नियंत्रण रहता है? समाज पर संस्थाओं का नियंत्रण रहता है। इसमें समाज पर संस्थाओं का नियंत्रण रहता। अब कौन सी संस्थाओं का? आर्थिक संस्थाओं का। ऐसी संस्थाएं जो किसी वस्तु का व्यापार करती है, बिजनेस करती है, थोड़ा इंक डाल दें, उनका नियंत्रण रहता है। नोट भी करते जाइएगा आप लोग, क्योंकि नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आइए। तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों का जो पेशा होता है वो कृषि पर निर्भर होता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर होते हैं? कृषि पर निर्भर होते हैं।
ग्रामीण क्षेत्र के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर होते हैं? कृषि पर निर्भर। तो शहरी क्षेत्र के लोग किस पर निर्भर होते हैं? शहरी क्षेत्र के लोग उद्योग व व्यापार पर निर्भर होते हैं, व्यापार पर निर्भर होते, इनका ये पेशा होता है शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में पेशा क्या है? कृषि। अगला, जो ग्रामीण जो समाज हमारा है, चार नंबर है, जो ग्रामीण समाज है वो चलायमान नहीं होता, लेकिन जो शहरी समाज है वो चलायमान होता। ग्रामीण समाज क्या है? ग्रामीण समाज चलायमान नहीं होता, चलायमान नहीं होता, नहीं होता। चलायमान नहीं होने का मतलब क्या होता है? इनका किसी राजनीति से, किसी अन्य कार्यों से कोई विशेष मतलब नहीं होता। ये जानते हैं कि भाई खेती कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, और इससे जो भी हमारी जीविकापार्जन है वो किसी तरह चले, तो यह ग्रामीण जो विपणन है उस समाज में चलायमान नहीं होता। एक धर्रे से आज से नहीं पहले से चलती आ रही है तो चलता है, लेकिन जो शहरी विपणन है, शहरी विपणन समाज में चलायमान होता है। चलायमान का मतलब है इसका उद्योग, राजनीति और समाज पर, इस पर काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण एरिया में जो भी उपलब्ध होता है भाई उसे आसानी से हम बेच सकते हैं, लेकिन शहरी एरिया में पूरी आर्थिक जगत पर उसका प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तुओं का दाम बढ़ रहा, फैक्ट्री बढ़ा दी तो बड़ी बढ़ी गया, लेकिन ग्रामीण एरिया में ऐसा नहीं है, अनाजों का है मुख्यतः, ये अनाजों से रिलेटेड है। और शहरी एरिया में क्या है, देश में राजनीतिक उथल पुथल हुआ तो ऐसी दशा में रेट बढ़ जाएंगे, कोई आर्थिक गतिविधि में इधर उतार चढ़ाव हुआ तो भी रेट बढ़ जाएंगे, या कोई अन्य बात हुई तो ऐसी दशा में इफेक्ट पड़ जाएगा। शहरी एरिया में कई स्टेपों से होकर गुजरता है, इसलिए भी वस्तुओं के रेट थोड़ा सा अप डाउन होते रहते हैं। अगला है पांच नंबर, जो ग्रामीण हमारा विपणन है वह जाति के आधार पर आधारित है। ग्रामीण विपणन जो है वो जाति के आधार पर उसका पेशा निर्धारित किया गया। ग्रामीण विपणन जातिगत पेशे के आधार पर है। मतलब इसमें ग्रामीण एरिया में कुछ जातियां ऐसी बनी हुई हैं कि जिनको कह दिया गया कि यही काम करना है तो वही काम करें, उनके पुश्तैनी वैसे ही काम करते आ रहे हैं तो वो भी वैसे करते आ रहे हैं, लेकिन शहरी विपणन में ऐसा नहीं है। इसमें पेशे को जाति के आधार पर नहीं बांटा गया। देखेंगे शहरों में वैसे बिजनेस का जो है पुराने समय से चला आ रहा है कि वैसे वर्ग जो है वही बिजनेस करते हैं, लेकिन ऐसा आज के समाज में नहीं है। किसी भी जात धर्म समुदाय का कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार का जरिया खोज सकता है, सबको स्वतंत्रता की एकदम आजादी है। तो इसी कारणवश देखे होंगे शहर मोहल्ले या कस्बों में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का बिजनेस चला सकता है, चाहे वो किसी भी जात धर्म समुदाय का हो, लेकिन ग्रामीण एरिया में ऐसे नहीं है। ग्रामीण एरिया में आज भी परंपराएं पुराने तरीके से चली जा रही है कि भाई बाबा दादा ये किए तो हम भी वही कर रहे हैं, आगे भी बच्चे वैसे ही करेंगे, तो ये जातिगत आधार पर आज भी ग्रामीण एरिया में बरकरार है, लेकिन शहरी एरिया में ऐसा नहीं है। तो शहरी विपणन जो है वो जात के आधार पर पेशा को नहीं बांटा गया। शहरी विपणन में पेशे को जातिगत आधार पर नहीं बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट छह नंबर पॉइंट में आते हैं, इसको लिख भी लीजिएगा कि ग्रामीण विपणन में
अधिकांशता जो लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, वह हमेशा प्रकृति से संबंध रखते हैं। जो ग्रामीण विप्रांत के लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो प्रकृति से संबंध रखते हैं, जबकि शहरी विपणन में इसका अभाव पाया जाता है। ग्रामीण विपणन में लोग क्या है, प्रकृति से संबंध रखते हैं। इसमें क्या होता है, शहरी विपणन में इसका अभाव पाया जाता। मतलब ग्रामीण एरिया में जो भी लोग रखते हैं वो प्रकृति को ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि नेचर के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे मान लीजिए कि गेहूं बोया गया है, भाई प्रकृति देगी तो मिलेगा, नहीं देगी नहीं मिलेगा। प्रकृति चाहेगी तो मिलेगा। प्रकृति का मतलब है कि टाइमली वर्षा हुआ, टाइमली मौसम ठीक हुआ, सही कटाई के समय पर मौसम फ्रेश बना तो भाई उपज हमारे घर आएगा। यदि सही समय पर कटाई नहीं हुई, बारिश आ गया, तो उपज नुकसान हो जाएगा। तो सब कुछ प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। ये प्रकृति को ग्रामीण विपणन में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसके प्रकृति प्रेमी होते हैं। लेकिन शहरी विपणन में ऐसा नहीं है, बाढ़ आए, सूखा पड़े, कुछ भी पड़े, भाई हम बिजनेस किए हैं, 10 रुपये का मिलता है, 20 रुपये में बेचेंगे, कहीं ना कहीं से तो खरीद कर लाएंगे ही। बेचना, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना है तो भाई बेचना ही है, चाहे जिस रेट पर बेचें। लेकिन शहरी विपणन में प्रकृति का कोई इफेक्ट नहीं, वो जानता है कि भाई पैसा है तो खरीद लेगा। और क्या रहता है ग्रामीण विपणन में, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं, क्योंकि ग्रामीण एरिया में देखते होंगे कि महिलाएं कोई दुकान खोल कर नहीं बैठी रहती, बहुत गिने चुने कहीं मिलेगा, और भी तब मिलेगा कि जब मान लीजिए कि पुरुष या तो असक्षम हो, या काफी व्यस्त रहते हो, या आर्थिक स्थिति थोड़ा खराब हो गई हो। तो ऐसी दशा में ग्रामीण विपणन में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन शहरी विपणन में क्या है, शहरी विपणन में महिलाओं की स्थिति अच्छी मानी जाती है। अब क्यों अच्छी मानी जाती है, देखते होंगे आजकल शहर में बहुत सारे दुकान हैं, उसमें देखते होंगे अधिकांश दुकानों में महिलाएं रहती हैं। महिलाएं ही पुरुषों की तरह अपना बिजनेस करती हैं, जो भी उनसे रेट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर टाइप के बिजनेस वो करती हैं, लेकिन जो उनसे हो सकता है वो सारे पुरुषों की भांति ही अपना वो कारोबार या बिजनेस चलाती हैं, और उन्हें काफ़ी सम्मान के साथ जाना जाता है। लेकिन यही ग्रामीण विपणन में है, यदि महिलाएं मान लीजिए कि दुकान अपना डाल कर बैठी हैं, बिजनेस कर रही हैं, तो लोगों का नज़रिया का बात है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगला और क्या है, ग्रामीण जो विपणन है, 8 नंबर है, पुरानी परंपरा के आधार पर। ग्रामीण विपणन पुरानी परंपरा के आधार पर मतलब है कि जो गांव में मार्केटिंग होता है, गांव में जो बाजार हमारा, वो पुराने पैटर्न पे चला आ रहा है। जैसे एक गुमती है, एक दुकान है, वैसे ही पुराना है ना, विदाउट डेंट पेंट है, लेकिन सामान सारी उपलब्ध है, वैसे ही चला है, लोग आएंगे खरीदेंगे। लेकिन शहरों में क्या है, बहुत सारा डेकोरेशन है, बहुत बड़ी लाइटें लगाई गई हैं कस्टमर को आकर्षित करने के लिए। तो ग्रामीण विपणन में क्या है, एकदम नई और आधुनिक परंपरा। ग्रामीण विपणन क्या है, शहरी विपणन में आधुनिक परंपरा।
वर्तमान में जो परंपरा क्या चल रही है कि लुभावने अट्रैक्शन देना, बड़ी बड़ी लाइटें लगाना, कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करना, गिफ्ट हैम्पर बांटना, बहुत सारी चीज़ें, एक सामान पर दूसरा सामान छूट कर देना, एडवर्टाइजिंग करना, लेकिन ग्रामीण एरिया में ऐसा कुछ नहीं, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं, कोई प्रचार नहीं, लेकिन शहरी विपणन में ऐसा किया जाता है। अगला क्या है कि ग्रामीण विपणन, आइए इसमें नौ नंबर, जो ग्रामीण विपणन है, ग्रामीण विपणन का आकार जो है, आकार छोटा या सीमित, और शहरी विपणन में क्या है, शहरी विपणन का आकार बड़ा। अब एक बार आकार बड़ा छोटा का मतलब ये हो गया कि ग्रामीण विपणन में देखे होंगे, एक आदमी एक छोटा सा दुकान खोल लिया है तो बस उतना ही बड़ा दुकान है, भले वो जितने भी सामान उसमें रख ले, वो अपना साइज लंबाई चौड़ाई बड़ा नहीं किया, वैसे ही पुराने ढर्रे से चल रहा है। शहरी विपणन में क्या है, जब बिजनेस चलता गया तो आकार को और बढ़ाता जाएगा और विस्तार करेगा, एक मंजिला दो मंजिला अगल बगल की भी दुकानें ले लेगा, ठीक ना, और दूसरे जगह ब्रांचेस खोल देगा। लेकिन ग्रामीण विपणन में ऐसा है ही नहीं, एक जगह खोल लिया वही चल रहा है, पुश्तैनी चलता आ रहा है। लेकिन शहरी विपणन में ऐसा नहीं, बड़ा यदि आकार हो जाएगा तो ब्रांचेस खोल देगा, कई जगह लोगों को अपने आदमियों को बैठा देगा कि चलिए बिजनेस करिए, ठीक ना। और भी बहुत सारा चीज है लेकिन फिलहाल इतना ही। तो ये ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन का अंतर कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो आपका एक चैप्टर ग्रामीण विपणन समाप्त हो गया। तो सर पहले जल्दी से नोट कर लीजिए, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब ये बताइए कि आप लोग को ये वीडियो हमारा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस पूरे चैप्टर में जो ग्रामीण विपणन हमारा ये दिया गया है, रूरल मार्केटिंग, इसमें आपने क्या पढ़ा, इसमें तीन महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े हैं। पहला टॉपिक क्या है, ग्रामीण विपणन क्या है, क्या पढ़े हैं, ग्रामीण विपणन क्या है। दूसरा क्या पढ़े, ग्रामीण विपणन के क्या महत्व है, और तीसरा पढ़े ग्रामीण विपणन के क्षेत्र व प्रकृति, और चौथा टॉपिक पे क्या पढ़े, ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन में अंतर। एक तरफ से देखा जाए तो ये चार क्वेश्चन बन सकता है, एक तरफ से देखा जाए तो यह आप लोगों को क्वेश्चन भी, यहां पे मैं बता रहा हूं कि पूरा जब चैप्टर कवर हो जाएगा तो आप इस पर क्या क्या इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं यह मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि ग्रामीण विपणन क्या है और इसके महत्व बताइए, या ऐसे भी हो सकता है ग्रामीण विपणन क्या है, भारत में ग्रामीण विपणन के महत्व पर प्रकाश डालिए, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि ग्रामीण विपणन क्या है, ग्रामीण विपणन क्या है, इसके प्रकृति या क्षेत्र बताइए, या प्रकृति या क्षेत्र पर प्रकाश डालिए या व्याख्या कीजिए, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्रामीण विपणन क्या है और ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन मैंने बताए ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ये क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अब थोड़ा शॉर्ट में आ जाइए, शॉर्ट में कोई एक टॉपिक भी पूछ सकता है कि ग्रामीण विपणन क्या है, ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा पूछ सकता है ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन में अंतर बताइए। कभी कभी मैं देखा हूं कि शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है कि शहरी विपणन क्या है, क्योंकि शहरी विपणन के बारे में बहुत सारे एक्सप्लेन करके नहीं किया गया है, यहाँ अंतर में ही एक्सप्लेन हुआ। कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्रामीण विपणन की प्रकृति की विवेचना कीजिए या ग्रामीण विपणन के क्षेत्र स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी हो सकता है, केवल केवल महत्व भी पूछ सकता है। तो इस पर इतने रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते थे, तो जितना मैंने बना उतना मैंने आपको बताया। तो अंत में एक यही चीज कहना चाहेंगे कि चूंकि मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया का ये पहला लेक्चर है, और मैं चाहूंगा कि इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करेंगे ताकि रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा,
तो ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और जो भी वीडियो देखिएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे कैसा लगा, अच्छा लगा, कौन सा टॉपिक चाहिए, तो उस पर उसी से रिलेटेड यदि ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा कमेंट का तो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर। लेकिन फिलहाल मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया जो स्टार्ट हो गया है तो समझिए ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कंटिन्यू वीडियो हमारा देखते रहिए। वीडियो कैसा लगा एक बार और कह रहे हैं कि लाइक जरूर करिएगा, और फ्रेंडों में जितना होगा कम से कम 10 लोगों के पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।